हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं आपका खेत्रो शेफ। आज का वीडियो में मैं एक नया डिश के बारे में बताऊंगा, जिसका नाम शेफ स्पेशल वेजिटेबल सूप। चलिए शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, आइए देखते हैं। हम थोड़ा सा गार्लिक ले लेंगे, उसके बाद 4-5 पत्ता कोरिएंडर लीव्स, उसके बाद एक तो गाजर, उसके बाद थोड़ा सा ब्रोकोली, उसके बाद थोड़ा सा ब्लैक पेपर हम लेंगे, मशरूम, थोड़ा सा बीन्स, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, और उसके बाद थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर पाउडर, उसके बाद हम थोड़ा सा सॉल्ट लेंगे, चाइना सॉल्ट, थोड़ा एक नींबू। शेफ स्पेशल वेजिटेबल सूप बनाने के लिए जो जो सामान लगता है, देखिए स्क्रीन पर हम उधर रखा हूँ तो आप सब देख सकते हैं। और उसके बाद हम वो सूप बनाना शुरू करते हैं। चलिए हम पहले सूप बनाने के लिए थोड़ा सा गार्लिक कटिंग कर रहे हैं। कटिंग कंप्लीट हो गया, हम बनाना शुरू करते हैं। देखिए थोड़ा एक सॉसपैन ले लिया, उसमें 2 चम्मच ऑयल डाल दिया, और उसके बाद थोड़ा ऑयल को अच्छा से गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद हम गार्लिक दे देंगे, उसमें गार्लिक दे दिया और गार्लिक को थोड़ा हल्का सा फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए गार्लिक की थोड़ा सा कलर हो गया, उसके बाद हम थोड़ा ब्लैक पेपर दे देंगे। तो देखिए जो गार्लिक के साथ थोड़ा ब्लैक पेपर लिया था उसको थोड़ा सा फ्राई कर दिया, कलर होने के बाद हमें वाटर दे दिया उसमें। जितना आदमी पियेंगे उसी हिसाब से मैं वाटर दे रहा हूँ उसमें। इसमें हमें वाटर दे दिया, वाटर देने के बाद स्वाद अनुसार नमक, नमक देने के बाद और एक चीज़ स्वीट एंड सावर आने के लिए थोड़ा सा लेमन जूस हम इसमें डाल सकते हैं। उसमें थोड़ा लेमन जूस ऑलरेडी दे दिया, देखिए लेमन जूस देने के बाद हम इसमें थोड़ा सा शुगर देंगे। देने के बाद हम इसको 20 मिनट तक छोड़ देंगे स्टीम करने के लिए। देखिए हमें इसको कैरेट को छोटा छोटा टुकड़ा करके कटिंग कर देंगे, ऑल वेजिटेबल छोटा छोटा टुकड़ा करके कटिंग करके इसको ब्लांच करने के लिए हम डाल देंगे। देखिए हम पूरा वेजिटेबल कटिंग कर दिया, उसके बाद हमें एक बर्तन लेगा, बर्तन लेने के बाद वो वाटर डाल के कॉर्नफ्लावर पाउडर को थोड़ा सा रेडी करके रखूँगा, सूप में देने के लिए रेडी करके रखूँगा। देखिए हम जो गार्लिक और ब्लैक पेपर सब दे के सूप के लिए रेडी किया था, देखिए कितना अच्छा सा स्मेल आ रहा है, बहुत अच्छा सा स्मेल आ रहा है उसमें। देखिए जो वेजिटेबल पूरा कटिंग किए थे उसको स्टीम करने के लिए 5 मिनट छोड़ देंगे। तो देखिए 5 मिनट हो गया, अभी वेजिटेबल ब्लांच हो गया, उसके बाद हमारा जो सूप के लिए स्टॉक बैठे था उसमें अभी निकाल के डालेंगे। तो जो वेजिटेबल थे अच्छा से उसको निकाल के, पानी निकाल के उसमें डाल देंगे सूप का स्टॉक में। सकते हैं हम वेजिटेबल डालने के बाद उसको अच्छा से मिक्स कर देंगे।
तो देखिए हमें उसमें थोड़ा चिली ऐड कर देंगे आसा सा चटपटा आने के लिए। तो आप देख सकते हैं सूप का अच्छा से फ्लेवर आ रहा है। आने के बाद हमें उसको ठीक करने के लिए जो कॉर्नफ्लावर गोल के रखे थे उसको हमें सूप में मिलाएंगे। अच्छा से मिला रहा है सूप में, देखिए पूरा अच्छा से मिलाने के बाद कितना ठीक हो रहा है देख सकते हैं आप, स्किन पर ऑलरेडी ठीक हो गया। तो देखिए सूप ठीक हो गया, उसके बाद हम थोड़ा धनिया का पत्ता उसमें डाल देंगे अच्छा सा फ्लेवर आने के लिए। वो धनिया का पत्ता डाल दिया, देखिए कितना अच्छा सा फ्लेवर आ रहा है उसमें। तो फ्रेंड्स इसी सिंपल सा आइटम को आपको घर में ट्राई कर सकते हो। आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए, इस तरह वीडियो आप देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। आज इस वीडियो को वहीं पर समाप्त करता हूँ, फिर मिलेंगे अगली वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद जय भारत।